दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय जोगता अकेडमी चंडीगढ़। मंडी शहर के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में फैली अव्यवस्था को लेकर देवभूमि पर्यावरण रक्षक मंच के अध्यक्ष नरेंद्र सैनी ने आपत्ति जाहिर की है। नरेंद्र सैनी ने इस संदर्भ में उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया है, जिसमें मांग की गई है कि मंडी शहर का ऐतिहासिक पड्डल मैदान शिवरात्रि महोत्सव के बाद बदहाल है, जिसकी हालत जल्द सुधारी जाए। उन्होंने कहा कि पड्डल मैदान में सैकड़ों युवा अभ्यास करने आते हैं और इसी मैदान में पूरा मंडी शहर सुबह व शाम को सैर सपाटा भी करता है, परंतु मौजूदा समय में मैदान की हालत दयनीय है, जिस पर प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करते हुए मैदान की दशा सुधारनी चाहिए, ताकि यहां खेल व भर्तियों का अभ्यास करने वाले युवाओं को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। शिकायत पत्र भेजा है, वैसे असल भेजता हूं मैं ग्राउंड के बारे में, कि शिवरात्रि के बाद जो है ग्राउंड एकदम ठीक होना चाहिए, लेकिन अब भी वही बात हुई कि शिवरात्रि जो है वो मार्च में ख़त्म हो गई थी और जून चला हुआ इस वक्त, और जो ग्राउंड के जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि वहाँ अब भी वो रेफर पड़े हुए हैं और जो घास है कहीं नहीं है, तो ये सब कवर होने चाहिए, क्योंकि ये रोलर का कोई मतलब नहीं है, या बाहर से मिट्टी आती है उसका कोई मतलब नहीं है, मिट्टी वहीं की होनी चाहिए और मिक्स करके वो मतलब उसमें रखनी चाहिए, उसमें मिला के ऐसा होता है कि उसमें पकड़ाती है। ये जो आप स्वीतिगढ़ से ला रहे हैं और उसको फेंक रहे हैं, उसमें ऐसा हो रहा है कि ये जो मतलब ये जो मिट्टी है उड़ रही है और कण रह गए हैं, छोटे छोटे पत्थर रह गए हैं इसमें, और जिसके कारण जो है सारा वातावरण खराब हो रहा है। और ये जो घास है वो भी मतलब पहले लगानी चाहिए, ये जो आप रोलर कर रहे हैं तो बाद में होना चाहिए। और वैसे भी ये जो बाहर से मिट्टी लाते हैं इसमें कई बार ये वाइल्ड लाइफ जिसको जंगली घास कहते हैं, फिर वो उसके बीज आ जाते हैं और ऊपर नसूर हो जाते हैं। तो ये ग्राउंड है मंडी के लिए जो यहाँ मतलब सब के लिए, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, और इसके जो चारों तरफ जो घूमने के लिए बना हुआ है या लॉन्ग रेसिस के प्रैक्टिस के लिए बना हुआ, वहाँ भी बुरा हाल है, चिक्कड़ है और वहाँ दूसरे जो है घास वगैरह उग गया है और बड़ा बद्दा लग रहा है। यही हाल ऊपर के ग्राउंड का है। अब जो ग्राउंड मेंटेन कर रहे हैं उस पर कोई लाभ नहीं है, वो तो पैसे की बर्बादी है। देख लो, जिसने भी देखना है आप वहाँ जाओ, और जिलाधीश महोदय से मैं और कमिश्नर साहब से और DSO से अनुरोध करता हूँ कि आप पर्सनली जो है उसमें देखें कि कहाँ क्या है, नहीं तो ये ग्राउंड सारा खराब हो जाएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।